नरवर में डॉक्टर अंबेडकर मंगलम भवन में आयोजन कर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को नरवर गुरुकुल स्टडी के डायरेक्टर धीरज गुप्ता, पुत्र लक्ष्मी नारायण गुप्ता, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है। लेखक धीरज गुप्ता ने बताया कि प्राचीन काल में नरवर को नलगढ़ के नाम से जाना जाता था, जो कि राजा नल, दमयंती, ढोला मारू, कछुवाया राजाओं का लेख में नाम आता है। इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि नरवर के प्राचीन स्थलों को पर्यटक स्थलों में जुड़वाना और नरवर के प्राचीन स्थलों को यहां पर प्रसिद्धि दिलवाना। उन्होंने कहा कि नरवर नगर में राजा नल दंपति की मूर्ति स्थापित कराना, लोडी माता मंदिर से परस देवी मंदिर पर किले पर जाने के लिए रोपवे का निर्माण और नरवर नगर के आसपास कई प्राचीन स्थल मौजूद हैं जिनका अस्तित्व इतिहास के लेखों में तो है लेकिन लोगों की नजर में लुप्त है। तो वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से नरवर नगर को पर्यटक में जोड़कर यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देने का भी लेख किया गया है। पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विवेक शेजवलकर, सांसद ग्वालियर जसवंत जाटव, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रहलाद भारती, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रमेश प्रसाद खटीक, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रुचि अग्रवाल, तहसीलदार नरवर, नवनियुक्त नरवर नगर परिषद अध्यक्ष पद्मा संदीप माहेश्वरी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सगीर अहमद खान के साथ नगरवासी मौजूद थे और पुस्तक लिखने पर धीरज गुप्ता व गुप्ता परिवार का धन्यवाद दिया। वहीं सांसद शेजवलकर ने 50 रुपए देने का की बात कही। गुस्से के लिए अपन दिल्ली चलेंगे, भोपाल चलेंगे, पर अगर आपने मेरा उठाया है तो मैं मेरी तरफ से इस क्षेत्र के इस पर्यटन के विकास के लिए, इन पूरा संपदों के संरक्षण के विकास के लिए आने वाले 2023-24 में इतनी छोटी सी मदद मैं जरूर करने का आपको आश्वासन देता हूँ। नगरों को तेजी से विकास क्यों ले जाएंगे, सबके पूरा भरोसा है क्योंकि कोई भी सरकार अकेले कुछ काम नहीं कर सकती। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी योजना सफल नहीं होती।